गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में महिला के साथ हुई लूट का पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि लूट करने वाले आरोपियों में लकी उर्फ टिंकू सिंह, पिता पुष्पेंद्र सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी जमुना टोला, रोहित चतुर्वेदी पिता रमाकांत चतुर्वेदी उम्र 28 वर्ष निवासी अजमायन थाना ताला और मोहित कोल पिता शंकर कोल उम्र 21 वर्ष निवासी कोतर नई बस्ती शामिल थे। आरोपियों से पुलिस ने 1,00,000 नकदी और लूट में उपयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस अधीक्षक ने उक्त आरोपियों को पकड़ने वाली टीम को 5,000 के नगद इनाम से पुरस्कृत किया है। आपको बता दें कि गोविंदगढ़ निवासी रामबई साकेत इलाहाबाद बैंक से 1,00,000 निकलवाकर घर जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने झपट्टा मारते हुए बैग छीनकर फरार हो गए थे। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने नाकेबंदी की और स्थानीय लोगों की मदद से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे पूछताछ के बाद दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने राम शिरोमणि पांडे पिता राम निरंजन पांडे उम्र 75 वर्ष निवासी वासा महुआ टोला के साथ हुई 20,000 की लूट को भी कबूल किया है। आपको बता दें कि 20,000 झोला में रखकर अपनी साइकिल से जा रहे थे, तभी आरोपियों ने पीछे से झपट्टा मारते हुए छीन कर फरार हो गए थे। उक्त घटना को भी दो लोग मिलकर करना स्वीकार किया है। आइए सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने पूरे मामले के बारे में क्या जानकारी दी है। पुलिस टीम द्वारा अच्छा काम करते हुए एक लूट की घटना कल ट्रेस की गई। एक महिला बैंक से 1,00,000 रुपए निकाल के जा रही थी, उनके साथ एक घटना अंजाम जब दी आरोपियों ने, उसके पश्चात सूचना मिली जैसे थाना प्रभारी को, उन्होंने अपनी पूरी टीम को लगाया और पुलिस का सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी एक्टिव किया। इसका परिणाम ये रहा कि 3-4 घंटे के अंदर ही तीनों आरोपीगण और 1,00,000 रुपये कैश इन्होंने रिकवर किया। उन आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने दिनांक 4 जनवरी को भी एक 20,000 की लूट स्वीकार किया। वो राशि भी रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है और इस